ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामाइन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश में माई सेल्फ कॉल सबा गजाली। So dear listeners, how are you doing? Hopefully you all are doing well and having a safe life journey. उम्मीद करते हैं जनाब कि आप बहुत खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी की सातें बहुत खुशी से गुजर रही होंगी इंशाल्लाह। So जनाब बात करेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की जो कि होता है आपका जाना पहचाना, कुछ idiom, कुछ phrases और कुछ होती हैं करंट सिनारियो पे बातें और साथ ही साथ पॉजिटिविटी का तड़का। सो जनाब कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन, क्योंकि चल रहा है बारिशों का दौर दौरा और साथ में पाकिस्तान के हारने का ना खत्म होने वाला सिलसिला। तो कैसा है ये कुछ खट्टा मीठा जायका? बिल्कुल जनाब, जहाँ बारिश हमारा दिल बहलाती है, हमें जो है वो सुकून देती है, वहीं पर पाकिस्तान का हारना हमारा खून खौला देता है और डेफिनेटली खौलाना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अपने पहले idiom पर जो कि है add insult to injury, add insult insult to injury, add insult to injury। बिल्कुल, किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना। हाँ, या फिर ज्यादा मौजू इसके लिए ये हो सकता है कि जलती पर तेल का काम करना, किसी भी सिचुएशन को वर्स बना देना, टू मेक द बैड सिचुएशन वर्स। जनाब जब आप कहीं तड़का लगाते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं, जैसे कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बारिश के साथ साथ पाकिस्तान का हारना कैसा लग रहा है, तो एक तरफ तो मैं आपको बारिश की बात कर रही हूँ कि जो बहुत एक अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, और साथ ही साथ मैं आपसे पूछ रही हूँ पाकिस्तान का हारना कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बीइंग अ पैट्रियोटिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको जाहिर सी बात है बुरा ही लग रहा होगा। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ कम ही लोग होंगे यहाँ पर जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसलिए कि जाहिर सी बात है वो एक अच्छी टीम है, करना भी चाहिए। लेकिन बिल्कुल एक बात है कि अपना मुल्क होता है। हाउएवर अगर आप हार रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, तो वाई डोंट यू एक्सेप्ट कि आप गलतियाँ कर रहे हैं, और जैसे कि बाबर आजम ने माना कि यस वी आर ऑन मिस्टेक, हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो उनसे अल्लाह करे सीख भी ले। खैर, जलती पर तेल का काम करना या जख्मों पर नमक छिड़कना इज एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है जी, तो ये है हमारा पहला idiom। सो जनाब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दिस पॉलिटिशियन वॉज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, सो इट मीन्स के वो जो पॉलिटिशियन है वो यकीन तौर पे कोई ऐसी बात कर रहा होगा जो दूसरे पॉलिटिशियन के लिए जाहिर सी बात है एक बुरी सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी उसकी वजह से। तो इसको आप इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि हर कॉमेंट्स वर लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, जैसे कि अगर कोई पीछे से बोल रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो दूसरे के लिए ह्यूमिलिएशन होगी और दूसरे के लिए जो है फ्रस्ट्रेशन का बायस होगा। तो उस सूरत में हम बिल्कुल ये कह सकते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी और एड इंसल्ट टू इंजरी। तो बिल्कुल किसी की बेवजह इस तरह से दिल आजारी करना बहुत बुरी बात है। यस, पॉजिटिविटी कम फर्स्ट एंड ऑप्टिमिज्म कम फर्स्ट, तो बी ऑप्टिमिस्टिक और किसी को परेशान ना करें। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए परेशान। मुझे पता है आप लोग कभी कभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब मिलके करते हैं। हमारा काम क्या है लोगों को परेशान करना? अरे नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, यू नो आई एम जस्ट किडिंग। और मैं तो बिल्कुल आपसे मजाक कर रही हूँ, मेरा तो और मेरे लिसनर्स का मजाक चलता रहता है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना जैसे वो होता है ना घरों में कि अमूमन
सास और बहू की लड़ाई हो रही है तो उसमें बीच में नंद का बोलना, वो भी यही होता है ना, जलती पर तेल का काम करना, या अगर कोई जो है वो देवरानी बोल पड़े किसी जेठानी के बारे में कि जी, या जेठानी बोल पड़े देवरानी के बारे में कि जी हाँ ये इसने काम किया था अम्मी, तो इसका मतलब यही होता है ना कि आप उसकी सिचुएशन को मजीद वर्स बना रहे हैं। तो जनाब बिल्कुल ये तो होता है कहानी घर घर की, ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर कभी कभी हो जाता है अनइंटेंशनली, इंटेंशनली हमारी कभी भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की सिचुएशन को वर्स बना दें। सो जनाब अब बात करेंगे बारिश से होने वाले नुकसानात की। बहुत सारे लोग खेमों में रहने पर मजबूर हैं, उनकी मदद कीजिए, जितनी हो सकती है आप उनकी मदद कीजिए। सो जनाब साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि बहुत ज़्यादा उसके अलावा नुकसान हुआ है, बहुत सारे घरों की तबाही के अलावा मोबाइल के जो सर्विसेज हैं, साथ साथ जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स हैं, हमारी केबल्स हैं और हमारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पूरी आवाम परेशान है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत आपकी मुतासर हुई है, वर्चुअल लर्निंग में आपके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा। अर्थिंग आपकी कंप्लीट कभी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अभी तक के जो स्पेल्स आए हैं वेदर के हवाले से, के जो रेन स्पेल्स आए हैं, इसमें जो कहना चाहिए अभी तक सिंध में आप ये देखेंगे कि 80 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। तो साथ ही साथ अगर हम कराची की सिर्फ बात करें तो हमें ये मालूम होगा कि इस वक्त हमारे 47 से ज़ायद लोग अभी तक जो है वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो उसकी क्या वजह है ये हमें देखना है, जाहिर सी बात है उसकी वजह यही है कि हम चूंकि समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, तो डेफिनेटली ये एक वजह है बहुत बड़ी। सो ये बात है और ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही काम बनेगा। सो जनाब ये है अभी तक की सिचुएशन और बढ़ते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे और शेयर करते हैं अपना अगला ईडियम जो कि है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग BARKING बार्किंग UP अप THE WRONG रॉन्ग TREE ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब आप सोचेंगे ये रॉन्ग क्यों नहीं होता, ये रॉन्ग क्यों होता है, इस तरह से वराइट क्यों नहीं होता, राइट क्यों होता है? तो जनाब यही है इंग्लिश, जो कि कभी कभी वॉर होता है उसी में कहीं कहीं W के बाद R आ जाए तो W हो जाता है साइलेंट। जी कुछ लोग रॉन्ग को रोंग भी बोलते हैं, रोंग, तो ये बड़े मजे की प्रोनंसिएशन है, या फिर कभी कभी रांग भी बोल देते हैं, रांग। तो जनाब देखना है कि ये रोंग है, रांग है या रॉन्ग है। तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इट मीन्स यू आर ऑन मिस्टेक, यू आर अटेम्प्टिंग टू गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। जी जनाब जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, जहाँ से आपको हल मिलने वाला नहीं है, वहाँ पर आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो दैट्स कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। और अगर हम इसके लिए उर्दू मुहावरा ढूंढे तो शायद ये गलत नहीं होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि वहां पर सॉल्यूशन ढूंढना कि जहां पर उसका कोई फायदा ना हो। सो दिस इज द थिंग जनाब, आपको ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां पर आपके काम की वर्थ हो, उस वक्त आप कह सकते हैं कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अपने घर में किसी भी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मैंने देखा है कि खानदानों में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली वो आपके फैमिली में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है, लेकिन अगर आप किसी की पार्टी को कुछ बुरा भला कह भी रहे हैं तो भी वो
डेफिनेटली उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होने वाला. तो दिस इज कॉल्ड बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री. तो आप वहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो आपकी बात सुन सकते हैं और वो आपको उसके जवाब दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो इसी के साथ ही हम अपना शो आज का ख़त्म करते हैं. हमारे शो का टाइम हो रहा है ऊपर. अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी, और उनका भी ख्याल रखिएगा कि जो आपकी फिक्र नहीं करते पर आप ये समझते हैं कि आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए. और कुछ लोगों की फिक्र सिर्फ इसलिए कीजिए कि वो खल्के खुदा हैं और खल्के खुदा की खिदमत हम सब पे फर्ज है. बिल्कुल जनाब, हम सब का ये फर्ज है कि हम खल्के खुदा की खिदमत करें और अपना बेस्ट दें और फिर छोड़ दें सब चीज़ें अल्लाह ताला पे, कि अल्लाह ताला फिर हमें हमारी परफॉर्मेंस का अजर ज़रूर देगा, डेफिनेटली. सो जनाब, पॉजिटिविटी को आगे रखिए. ये मत सोचिए कि लोग आपसे क्या कहते हैं. ये बात दुरुस्त है कि इंसान को काम नहीं, लोगों के रवैये थकाते हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि आप जितना सफ़र करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस में भी उतना इजाफा होता है और साथ ही साथ आपको उसका अजर भी मिलता है. सो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए. खुश रखिए, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. टेक केयर, टिल देन गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय.